डायरेक्टर साहब तो नहीं, डायरेक्टर साहब देखिए भैया ऊपर आइए। अभी डिसाइड करिए केक कहाँ से खाएंगे आप। केक कहाँ से खाएंगे? हाँ, केक खाने का तो नजदीक आना पड़ेगा, नजदीक आना पड़ेगा आपको। क्लैप कीजिए भैया, ताली बजाइए। वंस मोर क्लैप प्लीज। थैंक यू मैम। ठीक है, ले लो। वो जो बगल में है ना, मेरे बगल में जो मार रहे हैं, आप भी आ जाइए। लग रहा है आइए ना, हेलो हो गया ना, आइए तो सही, सब लोग आ जाइए। किस वजह से सब लोग यहाँ पे फंक्शन है? हमारी प्रोडक्शन हाउस की दूसरी फिल्म हम लॉन्च करने जा रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग हमने ये कार्यक्रम रखा है। किस तरह की मूवी है ये? हिंदी फिल्म है और समाज के लिए मैसेज है, जो स्कूली कॉलेज में बच्चों जो पढ़ते हैं, जिस तरीके से उनका कुछ बच्चों का क्या होता है कि बिहेवियर ठीक नहीं होता, वो समझ नहीं पाते, तो हमने वो मैसेज के द्वारा उनको समझाने की कोशिश की है और उनके माँ बाप को भी एक मैसेज जाता है कि बच्चों को आपको किस प्रकार से रखना चाहिए। मेरा रोल, मैं एक कॉलेज बोर्ड लड़की हूँ और मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ, थोड़ी सी बिंदास हूँ, बोल्ड हूँ, साथ ही साथ मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ जो इस कहानी का नायक है। वो थोड़ा सा शांत स्वभाव का रहता है, इसलिए वो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता नहीं, बट मैं हूँ जो उसके पीछे बार बार जाती हूँ, उसको देखती हूँ, उसको प्रपोज करती हूँ, ये भी कह सकते हैं हम, बट एंड ऑफ द डे वो क्या कहता है, हाँ कहता है, ना कहता है, जो भी है वो तो आपको फिल्म में ही पता चलेगा। तो इस तरह का मेरा किरदार है। ये जो रागिनी फिल्म प्रोडक्शन है, इसके पहले कौन कौन सी फिल्म इस प्रोडक्शन से लॉन्च हुई है और उसका इस मूवी का जो पर्पस पूरा ओवरऑल क्या है? रागिनी फिल्म की पहली फिल्म की हिस्ट्री खबर जो कि अभी रिलीज होने वाली है और सेकेंड मूवी स्टार्ट हो रही थी। हम ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज वाली फिल्में हम बनाना चाहते हैं अपने प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से, और एंटरटेनमेंट की दुनिया है ये तो आप जानते ही हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्शन के माध्यम से हम पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन कर सकें। मेरा जो रोल है शांत लड़के का है जो कॉलेज में पढ़ता है, हिस्ट्री स्टूडेंट है, एंड उसको हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। पहले जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे वो कैसे उनमें रिवोल्यूशन है, लेकिन आजकल जो है वो ऐसा नहीं है, तो इसी बात पे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते हैं। स्टार कास्ट के बारे में बता दीजिए, जो मुख्य भूमिका में जो इसमें है, जो किरदार निभा रहे हैं उनके बारे में आपको डायरेक्टर साहब इसके बारे में। मैं बालकृष्ण सिंह इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। ये हमारे इसमें मुख्य भूमिका में हीरो का रोल कर रही है, ये हीरोइन का रोल कर रही है, एक हीरो और है, हम उसका हमारा चल रहा है, बातचीत चल रही है। और ये हमारी फिल्म कॉलेज से लेके और दो तरह के इसमें हीरो हैं, एक थोड़ा सा एंग्री टाइप का है, थोड़ा सा उसका विचार अलग है देश के बारे में, और एक शांत है, तो दोनों का मैच नहीं होता है। जब दोनों का मैच होता है, दोनों के स्वभाव को आपस में फिल्म को लेके एक पॉजिटिव स्तर पर लेके जाते हैं। भैया कब से शूट शुरू कर रहे हैं पिक्चर की, कब से और कहाँ शूट करेंगे? ये हम लोग लखनऊ में शूट करेंगे, नवंबर के 15 या 20 तारीख के आसपास का हम लोग का प्लान कर रहे हैं। किन किन लोकेशन पर होगी लोकेशन? अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, फाइनल स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, हम लोकेशन हिसाब से करके फिर हम आप लोग को एक बार बुला के बता देंगे मुहूर्त। थैंक यू।
आप लोगों की इससे पहले भी कोई मूवी आई? बेसिकली मेरा शुरुआत मराठी फिल्मों से हुआ है और मराठी और हिंदी दोनों इंडस्ट्री में काम करती हूँ, तो मेरी शुरुआत जो हुई थी वो मराठी फिल्म से हुई थी। सीरियल एंड फिल्म तो वेब सीरीज से चलता रहता है, काफ़ी फिल्में आ चुकी हैं जी। मेरा ये डेब्यू फिल्म है, मेरी पहली फिल्म है। लखनऊ से ही आप? जी बेसिकली जो मेरे पेरेंट्स हैं वो यूपी से हैं एंड ब्रॉन एंड वाटर मैं मुंबई से। किस वजह से सब लोग यहाँ पे फंक्शन है? हमारे प्रोडक्शन हाउस की दूसरी फिल्म हम लॉन्च करने जा रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग हमने ये कार्यक्रम रखा है। किस तरह की मूवी है ये? ये हिंदी फिल्म है और समाज के लिए मैसेज है। जो स्कूली कॉलेज में बच्चों जो पढ़ते हैं, जिस तरीके से उनका कुछ बच्चों का क्या होता है कि बिहेवियर ठीक नहीं होता, वो समझ नहीं पाते, तो हमने वो मैसेज के द्वारा उनको समझाने की कोशिश की है और उनके माँ बाप को भी एक मैसेज जाता है कि बच्चों को आपको किस प्रकार से रखना चाहिए। आप लोगों का क्या रोल है? मेरा रोल, मैं एक कॉलेज बोर्ड लड़की हूँ और मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ, थोड़ी सी बिंदास हूँ, बोल्ड हूँ, साथ ही साथ मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ जो इस कहानी का नायक है। वो थोड़ा सा शांत स्वभाव का रहता है इसलिए वो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता नहीं, बट मैं हूँ जो उसके पीछे बार बार जाती हूँ, उसको देखती हूँ, उसको प्रपोज करती हूँ, ये भी कह सकते हैं हम, बट एंड ऑफ द डे वो क्या कहता है, हाँ कहता है ना कहता है, जो भी है वो तो आपको फिल्म में ही पता चलेगा। तो इस तरह का मेरा किरदार है। जो रागिनी फिल्म प्रोडक्शन है, इसके पहले कौन कौन सी फिल्म इस प्रोडक्शन से लॉन्च हुई है और उसका इस मूवी का जो पर्पस पूरा ओवरऑल क्या है? रागिनी फिल्म्स की पहली फिल्म की हिस्ट्री खबर जो कि अभी रिलीज होने वाली है और हमारे सेकेंड मूवी स्टार्ट की थी। हम ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज वाली फिल्में हम बनाना चाहते हैं उनको प्रोडक्शन है उसके माध्यम से, और एंटरटेनमेंट की दुनिया है ये तो आप जानते ही हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्शन के माध्यम से हम पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन कर सकें। मेरा जो रोल है एक शांत लड़के का है जो कॉलेज में पढ़ता है, हिस्ट्री स्टूडेंट है एंड उसको हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है कि पहले जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे वो कैसे उनके रिलेशन है, लेकिन आजकल जो है वो ऐसा नहीं है, तो इसी बात पे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करता है। स्टार कास्ट के बारे में बता दीजिए, जो ये मुख्य भूमिका में जो इसमें हैं, जो किरदार निभा रहे हैं उनके बारे में ज़रा समझते हैं। आपको डायरेक्टर साहब इसके बारे में बताएंगे। हमारे मैं बालकृष्ण सिंह इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। ये हमारे इसमें मुख्य भूमिका में हीरो का रोल कर रही है, ये हीरोइन का रोल कर रही है, एक हीरो और है, हम उससे हमारा चल रहा है, बातचीत चल रही है। और ये हमारी फिल्म कॉलेज से लेके ले और दो तरह के इसमें हीरो हैं, एक थोड़ा सा एंग्री टाइप का है, थोड़ा सा उसका विचार अलग है देश के बारे में, और एक शांत है, तो दोनों का मैच नहीं होता है। जब दोनों का मैच होता है, दोनों के स्वभाव को आपस में फिल्म को लेके एक पॉजिटिव स्तर पर लेके जाते हैं। भैया कब से शूट शुरू कर रहे हैं पिक्चर की, कब से और कहाँ शूट करेंगे? ये हम लोग लखनऊ में शूट करेंगे, नवंबर के 15 या 20 तारीख के आसपास का हम लोग का प्लान कर रहे हैं। किन किन लोकेशन पर होगी लोकेशन? अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, फाइनल स्क्रिप्ट का काम चल रहा है, हम लोकेशन के हिसाब से करके फिर हम आप लोग को एक बार बुला के बता देंगे मुहूर्त के समय। आप लोगों की इससे पहले भी कोई मूवी आई? बेसिकली मेरा शुरुआत मराठी फिल्मों से हुआ है और मराठी और हिंदी दोनों इंडस्ट्री में काम करती हूँ, तो मेरी शुरुआत जो हुई थी वो मराठी फिल्म से हुई थी। सीरियल एंड फिल्म तो वेब सीरीज से चलता रहता है, काफ़ी फिल्में आ चुकी हैं जी। मेरा ये डेब्यू फिल्म है, मेरी पहली फिल्म है। लखनऊ से ही आप? जी बेसिकली जो मेरे पेरेंट्स हैं वो यूपी से हैं एंड मैं मुंबई से। नाम से शुरू कीजिए। सबसे पहले ढेर सारी बधाई कि आज लखनऊ में आपने मुहूर्त किया फिल्म की अपनी, क्या कहना चाहेंगे भैया और अपना परिचय इंट्रोडक्शन पहले दें। मेरा नाम जनित कंसल है एंड ये मूवी के लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ये मेरी डेब्यू फिल्म है, पहली फिल्म है मेरी यहाँ पे एंड इस इंडस्ट्री में आने के लिए मैं बहुत खुश हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है एंड काफ़ी एक्साइटेड हूँ। लखनऊ में जिस तरह इसकी शूटिंग होने में क्या प्लानिंग है कुछ बताना चाहेंगे भैया? जी इसके लिए आप राइटर बताएंगे। जी मेरा नाम पार्थ है और मैं इस फिल्म को लिख रहा हूँ और
थैंक यू सो मच फॉर योर बधाई, आपने कंग्रेचुलेशन हमें किया। हम चाहते हैं बहुत सारे लोग हमें ऐसी दुआएं देते रहें, क्योंकि ये हमारी जो कोशिश है ये देश हित में है कि हमने कुछ अनोखा और कुछ मुख्तलिफ करने की कोशिश की है। कि बहुत सारी हम फिल्में देखते हैं, एंटरटेन करती हैं, बट कई बार हम मैसेज नहीं देते हैं, तो हमने कोशिश की है एक एंटरटेन करते करते लोगों को एक अच्छी अच्छी शिक्षा जाए, लोगों में कुछ ऐसा मैसेज जाए जिससे वो चेंज हो जाएं। और यहाँ पे एक प्रोटैगनिस्ट है जो हीरो है जो हमने इनको रखा है, तो वो भी मेरे इमेजिनेशन में जैसा मैं सोचता था वैसा ही हूबहू वो दिखते हैं, जो एक कोइंसिडेंस है। तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह से मैं आगे सीन्स लिखूँ वो भी उनको फिल्माया जाए, तो मेरी इमेजिनेशन की तरह हो। फिल्म आप पूछ रहे थे जिस बारे में है, वो एक जुनूनी लड़का है कॉलेज का, और वो देश के बारे में बहुत सोचता है। आजकल आमतौर पे देखोगे तो यंगस्टर्स प्रेजेंट में रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं, लेकिन कई लोग जो ऐसे होते हैं वो देश के बारे में कुछ करना चाहते हैं, उनमें एक जज्बा होता है। वैसा ही हमारा एक प्रोटैगनिस्ट है और उसका एक दोस्त है, तो वो किसी झमेले में पड़ जाते हैं और फिर घूमते घूमते ऐसी कश्मकश आती है उनके लाइफ में कि वो एक बड़ी प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करते हैं। और एक जद्दोजहद है, रोमांस है, और रोमांचक भी होगी ये स्टोरी, एडवेंचर होगा उसमें, थ्रिल होगा। शानदार, बहुत शानदार। आप अपने बारे में बताइए, जिन्हें कहाँ से आते हैं आप और सिनेमा में कैसे आपकी एंट्री हुई? सबसे पहले तो जो मेरी फैमिली है, जो मेरे पेरेंट्स हैं, वो यूपी से ही बिलोंग करते हैं, एंड आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन राजस्थान। एंड जैसी बात कही जाए कि फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आया गया, ये काफ़ी एक कोइंसिडेंस वाली बात मानी है, एंड काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए बिल्कुल नई इंडस्ट्री है ये, एंड वेरी वेल एक्साइटेड अबाउट इट। जितने भी लोग होते हैं वो चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में आए हूँ, एंड मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ, मेरी बहुत प्लेजर की बात है। आई एम ब्लेस्ड, एंड आई वुड लाइक टू थैंक माय जो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, उनकी गाइडेंस में एंड सपोर्ट ऑफ माई कोस्टर एंड द टीम। अब से कि हर चीज़ हमारे साथ अच्छी जाए, आगे भी सब कुछ अच्छे। आपकी पहली फिल्म है, तो आप कितना कुछ नया करने के लिए कितना तैयारी कर रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा तैयारी चल रही है, हर रोज़ हम प्रैक्टिस करते हैं, हर चीज़ का हम देखते हैं कि किस एंगल से कैसा चीज़, हर चीज़ अच्छी जानी चाहिए। बिल्कुल हर चीज़ की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। आपकी ये नई स्टोरी आपने रीड की, तो उस हिसाब से आपने क्या कुछ नया तैयारी की है? हमने बिल्कुल जो कैरेक्टर है मेरा उसको पूरा अपने अंदर उतारने की कोशिश करी गई है, एंड कैसे उस चीज़ को एक एक बारीकी को नोट कराए, एंड बिल्कुल चीज़ फॉलो कर रहे हैं। अच्छा मैम, क्या कहना चाहेंगी आप, इस फिल्म को लेकर कैसी तैयारी है आपकी, और इसमें मेन लीड कर रही हैं, तो कितना अनुभव लग रहा है, कि कितना एक्साइटेड हैं, कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों? हाँ, मैं बेसिकली बहुत एक्साइटेड हूँ। उससे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपको दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप टाइम निकाल के फैमिली को छोड़ के यहाँ पर आए हमारे लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं कई किरदार निभा चुकी हूँ, और जो मेरा फेस है उस हिसाब से मुझे काफ़ी पॉजिटिव और ऐसे क्यूट वाला या फिर बहू वाला ऐसे सब किरदार मैं काफ़ी निभा चुकी हूँ। बस इस फिल्म में मुझे एक बोल्ड बिंदास और एक ऐसी लड़की जो खुद ही लड़के को प्रपोज कर रही है, खुद ही अपनी तरफ से पहल कर रही है, ऐसे किरदार मुझे अच्छा लगता है, मिला नहीं था, अभी मिला है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और बेसिकली टीम वर्क है, अभी हमारी कोशिश चल रही है, वर्कशॉप होंगे, रीडिंग होंगी, ये सब चीज़ों के बाद वो किरदार और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। जिसके माध्यम से अभी ये दूसरी मूवी आपकी है, यहाँ से कैसा लग रहा है दूसरे मैम के साथ में जुड़ के, जो प्रोड्यूसर मैम है उनके साथ में कैसा, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ही अच्छे है वो, उनके साथ मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। इससे पहले मैंने उनके साथ ठग राजा जो भोजपुरी फिल्म है वो की थी, उसमें काफ़ी मज़ा आया था। मेरे लिए वो फिल्म तो फर्स्ट थी, बट फिर भी एक नई इंडस्ट्री थी, फिर भी बहुत अच्छी तरीके से काम हुआ। बेसिकली इंडस्ट्री मैटर नहीं करती, बट काम तो काम ही होता है, हम किस हिसाब से उसको लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। और मेरा ये मानना है कि एक आर्टिस्ट को पानी की तरह होना चाहिए, कि आप उसको किसी भी साँचे में डालो तो उसको ढलना चाहिए, तो उसी हिसाब से इंडस्ट्री कोई भी हो, लोग कोई भी हो, इट्स अबाउट कि हम कैसे डील करते हैं। सबसे पहले ढेर सारी बधाई भैया कि लखनऊ में आपने मुहूर्त इतना अच्छा किया, और स्टार कास्ट साथ में क्या कहना चाहेंगे आज भैया? मैं भी तो यहीं का हूँ, उत्तर प्रदेश का ही हूँ, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है, आए हम लोग यहाँ पर अपना फिल्म की शूटिंग हमारे यहाँ प्रोड्यूसर साहब यहीं के हैं, तो हम लोग अपना प्लान कर रहे हैं। बहुत खुशखबरी है इस बात की कि हम दशहरे के दिन हम लोग अपनी मुहूर्त किए हैं, और हमारी टीम बड़ी अच्छी है, सब यंग लड़के लोग हैं, मस्ती हैं, और पूरा मस्ती वाला हमारा प्रोग्राम भी हमारा है।
कब से शूट होने वाली है, कहाँ कहाँ होने वाली है, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए लखनऊ में करेंगे, कॉलेज है यहाँ के, अच्छे अच्छे खूबसूरत लोकेशन पर हम लोग शूट करेंगे और हम लोग 15-20 नवंबर के आसपास का प्लान चल रहा है शूट करने का। जिस तरह योगी सरकार का देखिए लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसमें फिल्मों की बाहर आ चुकी है, लगभग डेली 10 फिल्में 5 फिल्में यहाँ हैं, तो क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार जिस तरह सपोर्ट कर रही है फिल्मों को लेकर? देखिए लखनऊ तो पहले भी शूट हो रहा था और इस थोड़ा सा ये सब्सिडी और सब चीज़ों को, यहाँ शूटिंग करने से फ़ायदा ये है कि यहाँ के लोगों को काम मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो हम बॉम्बे से लेके आते थे वो यहीं पर मिल रहा है, तो प्रोड्यूसर को बहुत सपोर्ट मिलता है, इसकी वजह से हम लोग शूट कर रहे हैं। बात करें निर्माता जी जो हैं और उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? सविता जी से तो मेरा बहुत, मैं जब वो एक्टिंग करती तब से मैं जानता हूँ, मैं भी बेसिकली एडिटर था, उससे मैं एडिट करता था, अभी मैंने काफ़ी फिल्में डायरेक्ट किया, तो वो हमारा जान पहचान पहले से था, इसलिए हम लोग जुड़े हुए थे, और उसके बाद हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनके साथ। बहुत अच्छी लेडीज़ हैं, बहुत कॉपरेटिव हैं, बहुत समझदार हैं। इसमें कौन स्टार कास्ट नज़र आने वाले हैं उनके कुछ नाम? तो सामने ही हैं और हम लोग का चल रहा है, राजू श्रीवास्तव जी से भी बात करेंगे और भी हमारे कुछ इंडस्ट्री के बड़े आर्टिस्ट को लेके बना रहे हैं इसमें, अभी जब बात हो जाएगी हमारा फाइनल होगा तो हम खुद बहुत बता देंगे आपको, आपको भी पता चल जाएगा। हीरोइन साथ में चुलबुले दम मस्त दम, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? ये जैसे है इसका जैसे नेचर वैसा इसका रोल भी मिला है और मस्ती खोर है, मस्ती टाइप का हमारा कैरेक्टर भी है। अपकमिंग मूवी कौन कौन से हैं आपके, कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों? मेरी भी 2 फिल्में हैं, एक है मनमौजी और लेडी फ्लोर पे है और एक है तरकीब जो हम 1 तारीख को लखनऊ उत्तर प्रदेश में शूट कर रहे हैं। और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से ये बोलेंगे कि हमारी फिल्म को देखिए, सपोर्ट करें हर तरह से और अच्छा मूवी हम लोग बना रहे हैं और देखें इसको और नेगेटिव नहीं लेंगे और 10 तारीख तरफ से हम उनको हार्दिक बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने। नाम से शुरू कीजिए। सबसे पहले ढेर सारी बधाई कि आप लखनऊ में आपने मुहूर्त किया फिल्म की, अपनी क्या कहना चाहेंगे भैया और अपना परिचय इंट्रोडक्शन पहले दें। मेरा नाम जनित कंसल है एंड ये मूवी के लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ये मेरी डेब्यू फिल्म है, पहली फिल्म है मेरी यहाँ पे एंड इस इंडस्ट्री में आने के लिए मैं बहुत खुश हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है एंड काफ़ी एक्साइटेड हूँ। लखनऊ में जिस तरह इसकी शूटिंग होने में क्या प्लानिंग है, कुछ बताना चाहेंगे भैया जी? इसके लिए आप राइटर बताएंगे जी। मेरा नाम पार्थ है और मैं इस फिल्म को लिख रहा हूँ और थैंक यू सो मच फॉर योर बधाई, आपने कंग्रेचुलेशंस हमें किया, हम चाहते हैं बहुत सारे लोग हमें ऐसी दुआएं देते रहें क्योंकि ये हमारी जो कोशिश है ये देश हित में है, ये हमने कुछ अनोखा और कुछ मुख्तलिफ करने की कोशिश की है कि बहुत सारी हम फिल्में देखते हैं एंटरटेन करती हैं बट कई बार हम मैसेज नहीं देते हैं, तो हमने कोशिश की है एक एंटरटेन करते करते लोगों को एक अच्छी अच्छी शिक्षा जाए, लोगों में कुछ ऐसा मैसेज जाए जिससे वो चेंज हो जाए। और यहाँ पे एक प्रोटैगनिस्ट है जो हीरो है जो हमने इनको रखा है, तो वो भी मेरे इमेजिनेशन में जैसा मैं सोचता था वैसा ही हूबहू वो दिखते हैं, जो एक कोइंसिडेंस है। तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह से मैं आगे सीन्स लिखूँ वो भी उनको फिल्माया जाए तो मेरी इमेजिनेशन की तरह हो। फिल्म आप पूछ रहे थे जिस बारे में है, वो एक जुनूनी लड़का है कॉलेज का और वो देश के बारे में बहुत सोचता है। आजकल आमतौर पे देखोगे तो यंगस्टर्स प्रेजेंट में रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं, लेकिन कई लोग जो ऐसे होते हैं वो देश के बारे में कुछ करना चाहते हैं, उनमें एक जज्बा होता है, वैसा ही हमारा एक प्रोटैगनिस्ट है और उसका एक दोस्त है। तो वो किसी झमेले में पड़ जाते हैं और फिर घूमते घूमते ऐसी कश्मकश आती है उनके लाइफ में कि वो एक बड़ी प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करते हैं और एक जद्दोजहद है, रोमांस है और रोमांचक भी होगी ये स्टोरी, एडवेंचर होगा उसमें, थ्रिल होगा। शानदार, बहुत शानदार। आप अपने बारे में बताइए जनित, कहाँ से आते हैं आप और सिनेमा में कैसे आपकी एंट्री हुई? सबसे पहले तो जो मेरी फैमिली है, जो मेरे पेरेंट्स हैं, वो यूपी से ही बिलोंग करते हैं एंड आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन राजस्थान। एंड जैसी बात कही जाए कि फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आया गया, ये काफ़ी एक कोइंसिडेंस वाली बात मानी है एंड काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए बिल्कुल नई इंडस्ट्री है ये एंड वेरी वेल एक्साइटेड अबाउट इट। जितने भी लोग होते हैं वो चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में आए हूँ एंड मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ, मेरे लिए बहुत प्लेजर की बात है, आई एम ब्लेस्ड एंड आई वुड लाइक टू थैंक हमारे जो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर की गाइडेंस में एंड सपोर्ट ऑफ माई कोस्टर एंड द टीम। आपकी पहली फिल्म है तो आप कितना कुछ नया करने के लिए कितना तैयारी कर रहे हैं?
काफ़ी ज़्यादा तैयारी चल रही है, हर रोज़ हम प्रैक्टिस करते हैं, हर चीज़ का हम देखते हैं कि किस एंगल से कैसा चीज़, हर चीज़ अच्छी जानी चाहिए, बिल्कुल हर चीज़ की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। आपकी ये नई स्टोरी आपने रीड की, तो उस हिसाब से आपने क्या कुछ नया तैयारी की है? हमने बिल्कुल जो कैरेक्टर है मेरा उसको पूरा अपने अंदर उतारने की कोशिश करी है, एंड कैसे उस चीज़ को एक एक बारीकी को नोट करा है, एंड बिल्कुल उसी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा मैम, क्या कहना चाहेंगी आप, इस फिल्म को लेकर कैसी तैयारी है आपकी, और इसमें मेन लीड कर रही हैं तो कितना अनुभव लग रहा है, कि कितना एक्साइटेड हैं, कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों? हाँ, मैं बेसिकली बहुत एक्साइटेड हूँ। उससे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपको दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप टाइम निकाल के फैमिली को छोड़ के यहाँ पर आए हमारे लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं कई किरदार निभा चुकी हूँ और जो मेरा फेस है उस हिसाब से मुझे काफ़ी पॉजिटिव और ऐसे क्यूट वाला या फिर बहू वाला ऐसे सब किरदार मैं काफ़ी निभा चुकी हूँ। बस इस फिल्म में मुझे एक बोल्ड बिंदास और एक ऐसी लड़की जो खुद ही लड़के को प्रपोज कर रही है, खुद ही अपनी तरफ से पहल कर रही है, ऐसे किरदार मुझे अच्छा लगता है, मिला नहीं था, अभी मिला है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और बेसिकली टीम वर्क है, अभी हमारी कोशिश चल रही है, वर्कशॉप होंगे, रीडिंग होंगी, ये सब चीज़ों के बाद वो किरदार और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। जिसके माध्यम से अभी ये दूसरी मूवी आपकी है, यहाँ से कैसा लग रहा है दूसरे मैम के साथ में जुड़ के, जो प्रोड्यूसर मैम है उनके साथ में कैसा, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ही अच्छे है वो, उनके साथ मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। इससे पहले मैंने उनके साथ ठग राजा जो भोजपुरी फिल्म है वो की थी, उसमें काफ़ी मज़ा आया था। मेरे लिए वो फिल्म तो फर्स्ट थी, बट फिर भी एक नई इंडस्ट्री थी, फिर भी बहुत अच्छी तरीके से काम हुआ। बेसिकली इंडस्ट्री मैटर नहीं करती, बट काम तो काम ही होता है, हम किस हिसाब से उसको लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। और मेरा ये मानना है कि एक आर्टिस्ट को पानी की तरह होना चाहिए, कि आप उसको किसी भी साचे में डालें तो उसको ढलना चाहिए, तो उसी हिसाब से इंडस्ट्री कोई भी हो, लोग कोई भी हो, इट्स अबाउट कि हम कैसे डील करते हैं। आपके डायरेक्टर साहब को इनवाइट कर लीजिए, आइए सर। जी भैया, सबसे पहले ढेर सारी बधाई भैया कि लखनऊ में आपने मुहूर्त इतना अच्छा किया, और स्टार कास्ट साथ में क्या कहना चाहेंगे आज भैया? मैं भी तो यही कहूँ, उत्तर प्रदेश का ही हूँ, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है, आए हम लोग यहाँ पर अपना फिल्म की शूटिंग हमारे यहाँ प्रोड्यूसर साहब यहीं के हैं, तो हम लोग अपना प्लान कर रहे हैं। बहुत खुशखबरी है इस बात की कि हम दशहरे के दिन हम लोग अपनी मुहूर्त किए हैं, और हमारी टीम बड़ी अच्छी है, सब यंग लड़के लोग हैं, मस्ती हैं, और पूरा मस्ती वाला हमारा प्रोग्राम भी हमारा है। कब से शूट होने वाली है, कहाँ कहाँ होने वाली है, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए लखनऊ में करेंगे, कॉलेज है, यहाँ के अच्छे अच्छे खूबसूरत लोकेशन पर हम लोग शूट करेंगे, और हम लोग 15-20 नवंबर के आसपास का प्लान चल रहा है शूट करने का। जिस तरह योगी सरकार का देखिए लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसमें फिल्मों की बाहर आ चुकी है, लगभग डेली 10 फिल्में 5 फिल्में यहाँ हैं, तो क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार जिस तरह सपोर्ट कर रही है फिल्मों को लेकर? देखिए लखनऊ तो पहले भी शूट हो रहा था, और इस थोड़ा सा ये सब्सिडी और सब चीज़ों को यहाँ शूटिंग करने से फ़ायदा ये है कि यहाँ के लोगों को काम मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो हम बॉम्बे से लेके आते थे वो यहीं पर मिल रहा है, तो प्रोड्यूसर को बहुत सपोर्ट मिलता है, इसकी वजह से हम लोग शूट कर रहे हैं। बात करें निर्माता जी जो हैं और उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? सविता जी से तो मेरा बहुत, मैं जब वो एक्टिंग करती तब से मैं जानता हूँ, मैं भी बेसिकली एडिटर था, उस समय एडिट करता था, अभी मैंने काफ़ी फिल्में डायरेक्ट किया, तो वो हमारा जान पहचान पहले से था, इसलिए हम लोग जुड़े हुए थे, और उसके बाद हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनके साथ। बहुत अच्छी लेडीज़ हैं, बहुत कॉपरेटिव हैं, बहुत समझदार हैं। इसमें कौन स्टार कास्ट नज़र आने वाले हैं उनके कुछ नाम? तो सामने ही हैं, और हम लोग का चल रहा है, राजू श्रीवास्तव जी से भी बात करेंगे, और भी हमारे कुछ इंडस्ट्री के बड़े आर्टिस्ट को लेके बना रहे हैं इसमें, अभी जब बात हो जाएगी हमारा फाइनल होगा तो हम खुद बहुत बता देंगे आपको, आपको भी पता चल जाएगा। हीरोइन साथ में चुलबुली दम मस्त दम, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? ये जैसे है इसका जैसे नेचर वैसा इसका रोल भी मिला है, और मस्ती खोर है, मस्ती टाइप का हमारा कैरेक्टर भी है। अपकमिंग मूवी कौन कौन से हैं आपके, कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों? मेरी भी 2 फिल्में हैं, एक है मनमौजी और लेडी फ्लोर पे है, और एक है तरकीब जो हम 1 तारीख को लखनऊ उत्तर प्रदेश में शूट कर रहे हैं। और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से ये बोलेंगे कि हमारी फिल्म को देखिए, सपोर्ट करें हर तरह से, और अच्छा मूवी हम लोग बना रहे हैं, और देखें इसको, और नेगेटिव नहीं लेंगे, और दशहरे की तरफ से हम उनको हार्दिक बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने। ये हमारे निर्माता जी हैं, इनसे बात करिए।
सबसे पहले ढेर सारी बधाई मैम, और जिस तरह आपने भव्य मुहूर्त किए आप लखनऊ में, और क्या कहना चाहेंगी आज मैम? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी और बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे की आप सभी को। फिल्म जिस तरह पहली भोजपुरी आपने किया, उसके बाद फिर हिंदी की तरफ रुख कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कंपनी तरक्की पर। कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहें दर्शकों को, जिससे आपके यहाँ से क्या क्या वर्क हो रहा है कि जिससे लोग यहाँ जुड़े और वर्क काम करें? हमारा प्रोडक्शन हाउस के साथ साथ में स्टूडियो भी है, प्लस इंस्टीट्यूट भी है। हम बच्चों को सिखाते भी हैं, हमारे यहाँ प्लेसमेंट भी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बच्चों को हम एक्टिंग के अलावा, नया ब्रेक देने के अलावा, उनको हम शिक्षा दे के हमारे यहाँ नौकरी दिला देते हैं, ताकि समाज में यहाँ यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो बच्चों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था वो हमारी कंपनी दे रही है। और हमने योगी सरकार से कहा है कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट हैं उनको यूपी गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट इशू किए जाएं, जो 3 साल का हमारे यहाँ डिप्लोमा कोर्स करते हैं। तो ये यहाँ फ़ायदा होगा हमारे इंस्टीट्यूट से लोगों को। ये बेसिकली कलाकारों के लिए है जो यहाँ से सीखेंगे कि? नहीं, कलाकारों के लिए नहीं है, ये है जो पोस्ट प्रोडक्शन में जो पर्दे के पीछे रहकर इतना खूबसूरत बनाते हैं फिल्म को, ये उनके लिए है। आज मुहूर्त की हैं, स्टार कास्ट आपके डायरेक्टर सर हैं, क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर सर के बारे में, कुछ बताना चाहेंगे? बालकृष्ण जी को मैं पिछले 17 साल से जानती हूँ, ये बहुत अच्छे डायरेक्टर तो हैं ही पर बहुत अच्छे इंसान भी हैं, यही कहना चाहूँगी उनके बारे में। स्टार कास्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रूपाली बहुत प्यारी बच्ची है और ये दूसरी बार मेरी फिल्म में काम कर रही है, और जैनित बहुत अच्छे डांसर हैं और हमारे साथ पहली बार काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बच्चों को आप सभी बहुत प्यार देंगे, ताकि ये आगे और भी आप सबके लिए एंटरटेनमेंट करके फिल्में बनाएं। ये हमारे निर्माता जी हैं, इनसे बात करिए। सबसे पहले ढेर सारी बधाई मैम, और जिस तरह आपने भव्य मुहूर्त किए आप लखनऊ में, और क्या कहना चाहेंगी आज मैम? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी और बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे की आप सभी को। फिल्म जिस तरह पहली भोजपुरी आपने किया, उसके बाद फिर हिंदी की तरफ रुख कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कंपनी तरक्की पर। कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहें दर्शकों को, जिससे आपके यहाँ से क्या क्या वर्क हो रहा है कि जिससे लोग यहाँ जुड़े और वर्क काम करें? हमारा प्रोडक्शन हाउस के साथ साथ में स्टूडियो भी है, प्लस इंस्टीट्यूट भी है। हम बच्चों को सिखाते भी हैं, हमारे यहाँ प्लेसमेंट भी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बच्चों को हम एक्टिंग के अलावा, नया ब्रेक देने के अलावा, उनको हम शिक्षा दे के हमारे यहाँ नौकरी दिला देते हैं, ताकि समाज में यहाँ यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो बच्चों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था वो हमारी कंपनी दे रही है। और हमने योगी सरकार से कहा है कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट हैं उनको यूपी गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट इशू किए जाएं, जो 3 साल का हमारे यहाँ डिप्लोमा कोर्स करते हैं। तो ये यहाँ फ़ायदा होगा हमारे इंस्टीट्यूट से लोगों को। ये बेसिकली कलाकारों के लिए है जो यहाँ से सीखेंगे कि? नहीं, कलाकारों के लिए नहीं है, ये है जो पोस्ट प्रोडक्शन में जो पर्दे के पीछे रहकर इतना खूबसूरत बनाते हैं फिल्म को, ये उनके लिए है। आज मुहूर्त की हैं, स्टार कास्ट आपके डायरेक्टर सर हैं, क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर सर के बारे में, कुछ बताना चाहेंगे? बालकृष्ण जी को मैं पिछले 17 साल से जानती हूँ, ये बहुत अच्छे डायरेक्टर तो हैं ही पर बहुत अच्छे इंसान भी हैं, यही कहना चाहूँगी उनके बारे में। स्टार कास्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रूपाली बहुत प्यारी बच्ची है और ये दूसरी बार मेरी फिल्म में काम कर रही है, और जैनित बहुत अच्छे डांसर हैं और हमारे साथ पहली बार काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बच्चों को आप सभी बहुत प्यार देंगे, ताकि ये आगे और भी आप सबके लिए एंटरटेनमेंट करके फिल्में बनाएं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.